नमस्कार साथियों, सार्थक प्रेरण बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार स्वागत। और चलो बने अर्थशास्त्री मुहिम के अंतर्गत हम आज लेके आए हैं लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट आया है आरबीआई के द्वारा 2014 में। भारत में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिसका किसी भी बैंक में खाता नहीं है। बाद में देखेंगे हम प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014-15 और उसमें बहुत से लोगों के खाते खोले गए, लेकिन उसी समय ये लघु वित्त बैंक का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इसमें उन लोगों के खाते खुलवाने की बात की गई है जिनका कहीं पर भी किसी भी बैंक में खाता ना, जिन लोगों का कहीं पर भी किसी भी बैंक में कोई अकाउंट ना। मतलब लघु वित्त बैंक उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है जो अभी तक बैंक की पहुंच से दूर है। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? आरबीआई। कब लेके आया? 2014 में। तो इसके साथ ही उन लोगों तक तो पहुंची है, साथ ही लघु व्यवसायिक इकाइयों, छोटे व सीमांत किसान, किसके लिए? उन परिवारों के लिए जिनकी पहुंच किसी भी बैंक तक ना हो, ठीक है, ये इनके लिए है। दूसरा एक वर्ग कौन सा है? लघु व्यावसायिक इकाइयां, लघु व्यावसायिक इकाइयां, सीमांत किसान, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ये टारगेट है। क्या? तो उन परिवारों के लिए ये बैंक सुविधा प्रदान करता है जिनकी अभी तक किसी भी बैंक तक पहुंच नहीं थी। और दूसरा जो लघु व्यवसाय इकाई है, सीमांत किसान है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्वामी है, उनके लिए भी ये बैंक कार्य करता है। इनके लिए ऋणों की व्यवस्था करना, जमाओं को स्वीकार करना इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है। आरबीआई के निर्देशानुसार जो लघु वित्त बैंक है अपने कुल ऋणों का 75%, कुल ऋणों का जो 75% है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे। कुल ऋणों का जो 75% ये ऋण स्वीकार करेंगे, तो जितना भी ऋण स्वीकार करते हैं उसका 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना है। और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन सा? लघु व्यवसायिक इकाई या सीमांत किसान, लघु एवं कुटीर उद्योग, या वो लोग जिनकी किसी भी बैंक तक पहुंच नहीं है। कम से कम 50% ऐसे ऋणों के रूप में देंगे जिनकी अधिकतम मात्रा 25 लाख रुपए प्रति ग्राहक हो। 50% ऋण ऐसे ग्राहकों को देंगे जिनके ऋणों की मात्रा 25 लाख तक हो। मतलब ज्यादा बड़े ऋण नहीं देंगे, करोड़ 2 करोड़ वाला ऋण नहीं देंगे, कम ऋण की बात। तो ये अपने आधे से अधिक ऋण जो है वे उन्हीं लोगों को देंगे जिनको जो ऋणी व्यक्ति है उसके ऋण की जो मांग है वो 25 लाख रुपए तक है। ये जो बैंक होते हैं, एटीएम
एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन जैसे उत्पादों का वितरण भी कर सकते हैं। क्या? बीमा, पेंशन जैसे उत्पादों का वितरण भी कर सकते हैं। तो सार्थक पहल के अंतर्गत आज हमने पढ़ा लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसकी शुरुआत आरबीआई द्वारा 2014 में की गई। ये ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है जिनकी किसी भी बैंक तक पहुंच नहीं है, या उन वर्गों के लिए जो लघु व्यवसायी का या सीमांत किसान, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ये बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इनकी शर्तें हैं कि कुल ऋणों का 75% प्राथमिकता प्राप्त को क्षेत्र को देंगे, 50% ऋण वो होंगे जिसमें ऋण की राशि 25 लाख रुपए तक हो। ये बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, यहां तक कि बीमा व पेंशन जैसे उत्पादों को भी बेच सकता है। तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।